नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल से दिखने वाली वेंडिंग मशीन बिना ज्यादा पैसे लगाए आपको एक अच्छी कमाई करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इंडिया में अपना खुद का एक वेंडिंग मशीन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्यों और कैसे आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न है इस बिजनेस में, और आप ये भी सोच रहे होंगे ना कि बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन लाइसेंस की जरूरत है ना? तो डोंट वरी, हमने इस वीडियो में सभी तरह के रिक्वायरमेंट्स एंड लाइसेंस की भी बात करी है, एंड आपको आपके कई सवालों के जवाब भी इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्यों हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये बिजनेस को स्टार्ट करने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि ये एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है जो कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू किया जा सकता है। दूसरा ये है कि वेंडिंग मशीन बिजनेस जो है ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है, तो इसे आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर सकते हैं। एंड तीसरा ये है कि ये जो मशीन है ये 24/7 काम करती है, तो अगर आप घर पर आराम भी कर रहे होंगे तो ये मशीन आपके लिए पैसे कमाएगी। तो अगर आप पैसिव इनकम करने का भी सोच रहे होंगे तो ये आइडिया आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और जिस स्पीड से हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है उस हिसाब से ऑटोमेटेड रिटेल इंडस्ट्री की डिमांड आगे चल के काफ़ी बढ़ने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वेंडिंग मशीन बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर को एक अच्छी रिटेल सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, जिससे आपका प्रॉफिट के चांसेस भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे लोकेशन एंड प्रोडक्ट सिलेक्शन की। ये बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक सही जगह एंड उस जगह के हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होगा जो आप अपने मशीन में रखेंगे। ऐसी जगह सिलेक्ट करिए जहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना बना रहे, जैसे कि शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेजेस, या ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे हैवी ट्रैफिक हो। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी मशीन तक लोग इजीली पहुंच पाए एंड आपकी मशीन जो हो वो इजीली विजिबल हो। ऐसी जगह पर तो बिल्कुल नहीं रखना है जहां पे आपकी मशीन विजिबल ही ना हो। जब आपने लोकेशन डिसाइड कर लिया तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। आप लोगों के डिमांड के अनुसार अपने मशीन में प्रोडक्ट रख सकेंगे। अब हमने ये तो जान लिया कि ये बिजनेस को शुरू करने के क्या क्या फ़ायदे हैं एंड ये बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं, बट अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा एंड हम कितना प्रॉफिट इस बिजनेस से कमा सकते हैं। वेंडिंग मशीन बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो मोस्टली दो चीज़ पे डिपेंड करती है। पहला जो है वो है मशीन की प्राइस, एंड दूसरा आप क्या क्या प्रोडक्ट अपनी मशीन में रखने वाले हैं उस पर। अगर हम बात करें मशीन की तो मार्केट में अलग अलग साइज, फीचर्स एंड कैपेसिटी की मशीन अवेलेबल है, एंड इस मशीन की प्राइस जो है इसके फीचर्स एंड कैपेसिटी के हिसाब से आपको मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें बेस मॉडल की तो वो आपको 1,00,000 तक मिल जाएगा, लेकिन यही अगर हम बात करें ज़्यादा फीचर्स वाली मशीन की तो वो आपको 4,00,000 तक मिल सकती है। और आप जो प्रोडक्ट अपने मशीन में रखेंगे उसमें आपको लगभग 20,000 से 25,000 तक की इन्वेस्टमेंट लगेगी। और अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि है रिटर्न्स। तो ये बिजनेस में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने अपनी मशीन को कहाँ रखा है, कितने लोग आपकी मशीन के आसपास से गुजर रहे हैं, कितने लोग आपकी मशीन को देख रहे हैं, एंड कौन सा प्रोडक्ट आपकी मशीन का सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। और अगर एक एस्टिमेट प्रॉफिट रेंज की बात करूँ तो आप लगभग हर महीने 8,000 से लेकर 20,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बिजनेस शुरू करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बता दूँ कि ये बिजनेस आप कहीं से भी और कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे आप कोई भी सिटी से हो या कोई भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो। तो चलिए अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जो आप सबके मन में काफ़ी समय से चल रही होगी कि क्या हमें ये बिजनेस शुरू करने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत है, और अगर हाँ तो वो कौन कौन से लाइसेंस है। तो दोस्तों, ये बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको दो टाइप के लाइसेंस की जरूरत होती है। पहला तो है FSSAI लाइसेंस, जो कि है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड लाइसेंस। ये उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो फूड से रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड जो दूसरा लाइसेंस आपको चाहिए वो है ट्रेड लाइसेंस। तो अगर आप चाहें तो ये दोनों लाइसेंस इजीली आप घर बैठे भी ले सकते हैं। आपको बस उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल एंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो ने आपकी बहुत मदद करी होगी ये जानने में कि कैसे आप इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं एंड क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे। सो आई विश यू गाइस अ वेरी गुड लक, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, एंड वी विल ट्राई टू रिवर्ट बैक एज अर्ली एज पॉसिबल।
और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहेंगे जिससे आपको आपके बिजनेस में आसानी होगी। एंड अगर आपको हमारे मशीन या उसके फीचर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट ज़रूर करें। हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें फॉर ऑल द अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।